हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिर से और एक स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो। बट ये जो स्मार्ट वॉच है ये इंडस्ट्री की लार्जेस्ट 1.9 इंचेस की एक UHD डिस्प्ले वाली वॉच है। साथ ही में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर दिया गया है। एंड मैं आपको बता दूं ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है और जिसका नाम है इजी स्मार्ट प्रो। आप देख सकते हैं बॉक्स भी काफी बड़ा है। ये स्मार्ट वॉच के बारे में सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और ये हमारी अब तक की सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। एंड आई होप कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा, तो चलिए जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए अब इस बड़े से बॉक्स को ओपन करते देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। काफ़ी प्रीमियम सी पैकेजिंग है, जी हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे इसे ओपन करोगे, फर्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे स्मार्ट वॉच लेफ्ट साइड में। यहाँ पे देखिए पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। साथ में आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिलता है जिसे आप लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलती है आपकी स्मार्ट वॉच, इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर यहाँ पे बॉक्स में आपको राइट साइड में मिलता है, आई थिंक इसे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन यूज़र मैनुअल है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं, इसे भी हम साइड में रख देंगे। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे मिलता है चार्जिंग केबल और साथ में ये जो स्मार्ट वॉच है इसमें आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। सो एक्सेसरीज और जो पैकेजिंग है ये आपको टोटली प्रीमियम देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्मार्ट वॉच के पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करेंगे। राइट साइड में आपको मिलता है पावर बटन जिससे आप सभी चीज़ें कर सकते हैं। एंड उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको माइक मिलता है जो कि कॉलिंग के लिए दिया गया है। पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो सारे सेंसर यहाँ पे मेंशन है। और उसी के राइट साइड में आपको स्पीकर मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। ये स्पीकर आपको काम आएगा कॉलिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, जैसे आप चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। ये स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन से आपको मोबाइल फ़ोन में वियर प्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जस्ट आप क्लिक करके आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे सारे परमिशंस को आपको अलाउ करना है। फिर उसके बाद में इसे कनेक्ट करने के लिए आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आप जस्ट डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर बाइंड डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो जो डिवाइस है उसे सर्च करेगा। एंड आप यहाँ पर देखिए इजी स्मार्ट प्रो यहाँ पर जो हमारी स्मार्ट वॉच है शो हो रही है। जस्ट मैं इस पर टैप करूंगा तो यहाँ पे वो प्लीज वेट आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये देखिए ब्लूटूथ कनेक्शन इज सक्सेसफुल, तो ये जो स्मार्ट वॉच है कनेक्ट हो चुकी है। एंड ये एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले वॉच फेसेस, जहाँ पे आपको 500 प्लस वॉच फेसेस मिलते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर आप आपकी फोटो भी रखना चाहते हो तो आप वॉच फेस पे क्लिक करके रख सकते हैं। फिर नीचे फाइंड वॉच थर्ड है कैमरा, फिर फोर्थ वाला ऑप्शन है टिल टू वेक, एंड फिफ्थ वाला है इनकमिंग कॉल SMS, तो आप यहाँ पे जस्ट इनेबल कर सकते हैं। साथ में NFC का भी ऑप्शन है, ऐप नोटिफिकेशन है, कौन सी नोटिफिकेशन आप आपके स्मार्ट वॉच पे देखना चाहते हो। नीचे माई QR कोड है और उसी के ब्लूटूथ कॉल का ऑप्शन है, इसे भी आपको इनेबल करना पड़ेगा ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। फिर हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, ECG डिटेक्शन है, फिर फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स है, एंड आप 200 प्लस कॉन्टैक्ट्स आप सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो आप आके आपके सेटिंग्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं। साथ ही में इसके स्ट्रैप्स क्वालिटी की बात करते हैं और आपको बॉक्स में एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बॉक्स को ओपन करते हुए आपको बताया है। और मैं इसे डिसेंट क्वालिटी नहीं बोलूँगा, गुड क्वालिटी स्ट्रैप्स है। और अगर इसे मोल्ड भी करते हो, फोल्ड करोगे तो कुछ भी इफेक्ट आपको स्ट्रैप्स में नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये एक चेंजेबल स्ट्रैप है, जस्ट इजीली आप इसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप डिफरेंट स्ट्रैप्स निकाल के लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिस्प्ले की बात करते हैं। आपको इसमें 1.9 इंचेस की एक 320x385 पिक्सल रेजोल्यूशन की UHD डिस्प्ले मिलती है। UHD मीन्स अल्ट्रा HD डिस्प्ले। और अगर आप इसके एजेस देखोगे तो आपको कर्व देखने को मिलेंगे। ये ऑब्वियसली है क्योंकि 1200-1500 के आपको स्मार्ट वॉच में कर्व एजेस मिल रहे हैं, बट कर्व होने की वजह से जो डिस्प्ले का लुक है ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। एंड इस स्मार्ट वॉच में आपको डेफिनेटली प्रीमियम फील होगा। और मैं आपको बता दूं इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर दिया गया है, जहां पे सिर्फ टाइमिंग शो होती है, कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है, बट ऑलवेज
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आपको मिल जाता है। अगर आप ब्राइटनेस की बात करते हैं तो आपको इसमें 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डे में मैं बोलूंगा कि गुड है, बट नाइट में आपको डेफिनेटली ये एक ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है। और आपको नाइट में थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1.9 इंचेस की एक लार्जेस्ट डिस्प्ले है, इसमें जो ब्राइटनेस है ये आपको बहुत ही अच्छी दिखती है और ये आपको नाइट में काफ़ी ब्राइट देखने को मिलेगी। तो थोड़ी सी आपको ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा और जो डिस्प्ले का लुक है ये आपको बहुत ही अच्छा एंड प्रीमियम फील होगा। अब इसके ब्लूटूथ कॉलिंग फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्मार्ट वॉच में ही आपको डायल पैड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप इजीली कोई भी नंबर को डायल कर सकते हैं। अगर आपने रॉन्ग डायल किया है तो ऊपर आपको कट का ऑप्शन मिलता है, नीचे कॉलिंग का ऑप्शन है। जब आप कॉल लगा दोगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, कॉल डिसकनेक्ट करने का। बाद में जब कॉल कनेक्ट हो जाएगा तो आप वॉल्यूम को लो और हाई भी कर सकते हैं। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इनकमिंग कॉल आता है स्मार्ट वॉच में, जो लुक है, जो इंटरफेस है, ये आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। जहाँ पे अगर आपने नंबर सेव किया है तो सेंटर में जो भी नेम होगा वो शो करेगा, एंड अगर आपने नंबर सेव नहीं किया है तो जो नंबर है वो सेंटर में शो होगा। साथ ही में ऊपर और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं या फिर डिसकनेक्ट कर सकते हैं। बट जो इंटरफेस है कॉलिंग का, जो इनकमिंग कॉलिंग का, ये आपको इस स्मार्ट वॉच में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही में स्मार्ट वॉच में आपको कॉल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन मिलता है, मींस कॉल हिस्ट्री आपको सभी वहां पे दिखाई देगी और आप डायरेक्टली कॉल हिस्ट्री के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। एंड आपको कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन मिलता है, और ये भी मैं आपको बता दूं, अप टू 200 कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। ये बहुत ही अच्छी बात है कि 200 कॉन्टैक्ट भी आप सेव कर सकते हैं, आपको बस एप्लीकेशन के थ्रू सेव करना होगा। और स्मार्ट वॉच में कॉन्टैक्ट्स में आपको सारे कॉन्टैक्ट्स शो होंगे। तो चलिए अब इसका स्पीकर और माइक टेस्ट करते हैं। HD स्पीकर और हाई क्वालिटी माइक मेंशन है बॉक्स पे, जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आवाज है ये आप इस स्मार्ट वॉच के माइक से, जितना मैं क्लोज से बात करूँ उतना आपको अच्छा यहाँ पे साउंड क्वालिटी इस स्मार्ट वॉच के माइक से देखने को मिल रही है। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस कर दूंगा तो आप देखिए जो आवाज है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। एंड अगर मैं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके चले जाऊँगा स्मार्ट वॉच को, तो आवाज आप बिल्कुल भी आपको बहुत ही कम आपको सुनाई देगी। तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको इसे क्लोज ही रखना पड़ेगा। जो हाई क्वालिटी माइक है वही है, बट मैं बोलूंगा कि गुड है, ऐसे नहीं कि ग्रेट। बट ये जो माइक आप जो आवाज आप सुन रहे हो ये कुछ इस तरह से, आपको क्लोज रख के बात करना पड़ेगा ताकि आगे वाले को अच्छी आपकी साउंड सुनाई दे। अब आप इसका स्पीकर देखिए, थोड़ा सा मैं माइक के क्लोज करूंगा, यहाँ पे देखिए साउंड कैसे आपको देखने को मिल रही है। मेरे साथ वेरी गुड है, ऐसा नहीं है कि एक्सेलेंट तो नहीं है, गुड क्वालिटी की आपको यहाँ पे साउंड देखने को मिलती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ ताकि आपको बेटर साउंड आपको पता चले। तो जो स्पीकर और माइक है ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा इस स्मार्ट वॉच में। और ये जो स्मार्ट वॉच है ये IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट स्मार्ट वॉच है, मींस वाटर प्रूफ है। अगर ये पानी में गिर भी जाए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसे पहन के स्विम भी कर सकते हैं। अगर ये पानी में भीग भी जाती है तो जो टच रिस्पॉन्स है ये आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, कुछ डिले नहीं है और कुछ भी इशू आपको नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ आपको ये स्मार्ट वॉच में अच्छी मिलती है। और भी कई सारे फीचर्स है जो आपको इस स्मार्ट वॉच में देखने मिलते हैं, जस्ट मैं आपको रीड करके बता रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। आपको ये स्मार्ट वॉच में NFC का सपोर्ट मिलता है, साथ में वॉइस असिस्टेंट भी है। और मैं आपको बता दूं 11 डायनेमिक मेन्यू स्टाइल से, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे। और अगर आप इस स्मार्ट वॉच को यूज करो तो जरूर डायनेमिक मेन्यू स्टाइल को यूज कीजिए। साथ में आपको इनबिल्ट कैलकुलेटर भी मिलता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि कैलकुलेटर है या नहीं, तो आपको इसमें कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलता है। एंड सबसे अच्छी चीज आपको वायरलेस चार्जिंग है, जी हाँ ये ऑप्शन दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी है, एंड इसको छोड़कर कई सारे फीचर्स है। और जो बैटरी है ये स्मार्ट वॉच की, ये मुझे अच्छी लगी है, ज्यादा ड्रेन नहीं होती है, अप टू 5 डेज है विद ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में। स्टैंड बाय आपको मिलते हैं 20 डेज। एंड मैं आपको बता दूं, जब आप इसे चार्जिंग पे लगाओगे जो चार्जिंग एनिमेशन है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ इस तरह से। बट जब आप चार्ज को लगा दोगे सो जो बैटरी इंडिकेटर है वो वहां पे फील होता रहेगा। एंड जो इसकी प्राइस है ये है
2999 मीन्स आपको 3000 रुपए में ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हो तो देखिए ये एक डेफिनेटली प्रीमियम स्मार्ट वॉच है। आप इसे ले सकते हैं, कोई भी फीचर ऐसा नहीं है कि आप इसे बोल सकते हैं कि इसमें नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट 1.9 इंचेस की एक लार्जेस्ट डिस्प्ले है। बहुत सारे अच्छे फीचर्स है, आपको NFC सपोर्ट भी दिया गया, सभी चीज़ें हैं और स्ट्रैप्स क्वालिटी और आपको मेटेलिक फ्रेम मिलता है, सभी चीज़ें अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।